आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं फाइबर शॉट OTDR की। ये हमारा मिनी OTDR है। सबसे पहले हम OTDR को निकालेंगे। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज रहेंगी। सबसे पहले इसका कैरिंग केस, हमारा OTDR फाइबर शॉट, साथ में नेटवर्क टेस्टर है। ये नेटवर्क टेस्टर के साथ ये हमारा स्पेयर कनेक्टर, अडाप्टर, चार्जिंग केबल जो कि यूज़ होती है इस OTDR को चार्ज करने के लिए, साथ में सॉफ्ट कैरिंग केस जिसमें हमारा OTDR प्रोटेक्टेड रहता है, साथ में हैंड स्ट्रिप्स और ये कैरिंग केस के लिए बेल्ट दी जाती है। इसके साथ ही इसकी टेस्ट सर्टिफिकेट की रिपोर्ट रहती है। तो आइए अब हम सीखेंगे कि OTDR को, फाइबर शॉट को कैसे यूज़ करते हैं फील्ड पे। जो ये हमारा OTDR है, ये मिनी OTDR है D32। सबसे पहले स्विच ऑन कराए इस OTDR को। स्विच ऑन होते ही कुछ ही सेकेंड्स में स्क्रीन हमारे सामने आएगी जो कि इसका इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले मेन्यू पे सबसे ऊपर रहेगा ऑटो OTDR। ऑटो OTDR के बाद हमारे पास है एक्सपर्ट OTDR, इवेंट मैप, OPM, BFL, लेज़र सोर्स, ऑप्टिकल लॉस टेस्ट, RJ45 लेंथ, RJ45 सीक्वेंस, RJ45 डिजिटल ट्रैकर। तो आइए अब हम इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्पूल लिया है जिसकी जो लेंथ है तकरीबन 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। इस स्पूल की मदद से हम अपने OTDR की एक्यूरेसी चेक करेंगे। हम हमारे स्पूल का जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट करेंगे हमारे मिनी OTDR के साथ और मैं इसके सबसे पहले वाले फीचर ऑटो OTDR को यूज़ करूँगा। अच्छी तरह से कनेक्ट होने के बाद मैंने इसको ऑटो OTDR पे सेलेक्ट कर लिया है। मेरा OTDR अपने आप ही सारी ट्रेस करेगा, इसमें कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि ये ऑटो OTDR है, अपने हिसाब से हर एक चीज़ को सेलेक्ट करता है। कुछ ही सेकंड्स में ये ट्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमारा ट्रेस कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो हमारी लेंथ थी इसमें 4.9 किलोमीटर की आई और लॉस जो था हमारा बिल्कुल 0.00 आया है जो कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट फीचर जो है एक्सपर्ट OTDR का उसको यूज़ करेंगे। अब हम इसमें जो एक्सपर्ट OTDR का फीचर है उसको यूज़ करेंगे। इसमें हम अपनी वेवलेंथ और जो हमारी टाइमिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसमें जो हमारी वेवलेंथ है 13:10 को यूज़ करा, जिसमें मैंने 15 सेकंड को टाइमिंग यूज़ करी है। सब सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे एवरेज पे क्लिक करेंगे। एवरेज पे क्लिक करने के बाद हमारा ट्रेस जो है वो शुरू हो जाएगा। एक्सपर्ट OTDR में हम डिफरेंट तरह की वेवलेंथ और टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करके ट्रेस कर सकते हैं। सेम स्पूल है जितना हमने पहले यूज़ करा था, उसी स्पूल पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ट्रेस कंप्लीट होएगा सारा लॉस जो है स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.00 dB लॉस आया है, जो हमारी डिस्टेंस है स्पूल की 4.9 किलोमीटर है। इस तरह से हमने एक्सपर्ट OTDR के फीचर्स को यूज़ करा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट फीचर यूज़ करेंगे।